अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज रिज़वान चीमा। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। आज की इस वीडियो में आपको ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक जी के वाले से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो ब्लॉक जी के वाले से अक्सर क्यूरीज करते हैं कि ब्लॉक जी के डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, डिफरेंट ब्लॉक्स हो गए ओवरसीज ईस्ट के, जिनकी अक्सर जो सेल्स पार्टनर हैं या उनकी टीम्स हैं वो वीडियोज़ बनाते रहते हैं। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और जितना ई आर वन रोड पर जितने ब्लॉक्स आते हैं सबकी वीडियोज़ रेगुलरली बनती रहती हैं, बट जी ब्लॉक के ऐसा रेगुलर वीडियोज़ नहीं बनती। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि जी ब्लॉक और एच ब्लॉक के वाले से एक्सप्लेन करूँ कि इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। तो मैं आपको ऑन ग्राउंड आज की डेट में दिखाता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेचर क्या है। फॉर द टाइम बिंग हम सी ब्लॉक के अंदर से गुजर रहे हैं। एक्सेस रोड आर वन रोड से पहले आप एक्सेस रोड टू सेंटर होते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, उसके बाद आप पहुँचते हैं ओवरसीज ईस्ट के सामने और ईस्ट ब्लॉक में सी ब्लॉक के अंदर से होते हुए आप ईजिली एक्सेस करते हैं ब्लॉक जी को। वैसे दूसरा रास्ता है लेकिन ये चूँकि आसान था, बिल्कुल सामने था, तो आई थॉट कि ये रास्ता था फीजिबल है। जी ब्लॉक में सब डेवलपमेंट का स्टेटस जो आई गेस वहाँ पे मशीन जिस तरह नज़र आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट वहाँ पे हो चुकी हैं। बहरहाल मैं आपको जाकर करीब से पूरा ब्लॉक की डेवलपमेंट दिखाता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे स्टेटस डेवलपमेंट क्या है। मेरे राइट साइड पर जो इस वक्त आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम प्लॉट्स हैं, ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो एक्सपेक्टेडली दो कनाल या चार कनाल के प्लॉट्स होंगे, लेकिन सोसाइटी की तरफ से ऑफिशियली इन्हें लॉन्च अभी तक नहीं किया गया, बट लेटेस्ट स्टेज में जब लॉन्च होंगे तो इंशाल्लाह इसके बारे से तमाम अपडेट्स मैं आपको कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग ये जो प्लॉट्स हैं ये रिजर्व प्लॉट्स अकाउंट होते हैं क्योंकि सोसाइटी ने इनको लॉन्च नहीं किया। लेटेस्ट स्टेज में लॉन्च करेंगे इनको कमर्शियल को, और फॉर द टाइम बीइंग दो कमर्शियल लॉन्च हैं, एक है 4 मरला कमर्शियल और एक है 8 मरला कमर्शियल, और 2020 में 6 मरला कमर्शियल भी लॉन्च किए गए थे। लेकिन ओवरसीज सेंट्रल की बैलेटिंग में किसी 6 मरला कमर्शियल प्लॉट की लोकेशन जो है एज सच वो डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन जो 4 मरला 8 मरला के जितने कमर्शियल हैं वो इंतहाई प्रीमियम लोकेशन पे ओवरसीज सेंट्रल में बैलेट कर दी गई हैं, और 2019 में ओवरसीज ईस्ट की जो लोकेशन हैं वो भी बैलेट कर दी गई थी। अब आपको मैं जो ब्लॉक जी दिखाता हूँ, ये आप ब्लॉक सी से जब ब्लॉक डी की बैक साइड से जब ये कच्चा रास्ता जहाँ स्टार्ट हुआ है, अगर आप मूव करते हैं टुवर्ड्स ब्लॉक ई, ये फ्रंट की साइड से है, तो आपको वहाँ से लेफ्ट साइड से कच्चा रास्ता मिलता है जहाँ से आगे आप ब्लॉक जी में और ब्लॉक एच में फिजिकली जाके देख सकते हैं डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। अगर मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ इसकी बात करूँ, तो ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा एरिया पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी डी ब्लॉक की बैक साइड आधा एरिया डेवलप था। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो जिस तरह के यहाँ पर कोई जंगल नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया पहले इस तरह का जंगल ही था, यानी यहाँ पे बस झाड़ियाँ ही थी और यहाँ पे ऐसे उसको पहाड़ वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे कोई रॉ लैंड जो है उसको क्लियर नहीं किया गया था। अभी जो ये आप कह लें कि दो ब्लॉक्स का डिवाइडर या दो सेक्टर का डिवाइडर रोड है, यानी कि जैसे ब्लॉक ए और ब्लॉक ए को डिवाइड करता है, ब्लॉक बी और ब्लॉक जे को डिवाइड करता है, ब्लॉक सी ब्लॉक आई को डिवाइड करता है, ये रोड आगे एक्सटेंड होके ब्लॉक ई और ब्लॉक सी की तरफ आता है। तो इस वक्त ये उस रोड की एक्सटेंशन है, ये ब्लॉक ई के जो पहाड़ी वाला एरिया है जिसे हिल व्यू रोड कहते हैं। अगर आप मैप पे देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर हैं जिनकी बैलेटिंग हुई है और इस ब्लॉक ई में, तो उनको हिल व्यू रोड मिला है। तो उस पर अगर आप देखें तो आपको इस पॉइंट पे ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे, इसके साथ ही बिल्कुल आपकी स्ट्रीट बनेगी जिस पे आपके प्लॉट्स आएंगे। जहाँ तक बात है ब्लॉक जी के डेवलपमेंट की, तो ब्लॉक जी का स्टेटस इस वक्त आपके सामने है कि यहाँ पे स्ट्रीट्स, मैं आगे ब्लॉक जी के अंदर से जाता हूँ, अभी तो ये दोनों के दरमियान में जो रोड है जहाँ पे आई गेस कुछ कमर्शियल प्लॉट कुछ लीनियर पार्क्स आएंगे, तो इस वक्त जहाँ पे रोड है बाकी राइट साइड लेफ्ट साइड पे मैं आपको ब्लॉक जी के करीबी से दिखाता हूँ। ब्लॉक जी में वैसे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है सीवरेज की लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ जो स्ट्रीट्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं और बाकी जो मेन होल्स हैं उनका काम भी हो गया है, और ओवरहेड वाटर टैंक जो ब्लॉक जी का है वो भी बनाया जा चुका है। मैं आपको ज़रा करीब से दिखा दूँ ताकि आपको हमको अच्छा आइडिया मिल सके कि ओवरऑल ब्लॉक जी में इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। ये इस वक्त ब्लॉक जी में स्टेटस है डेवलपमेंट का, यहाँ पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, बट एटलीस्ट रोड की जो एसफॉल्ट है वो हो चुकी है, यहाँ अलाइनमेंट हो चुकी है, यहाँ पे इस तरह का रोड आएगा। और आई गेस जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ ये हिल व्यू रोड ही है क्योंकि ये पीछे पहाड़ियों के साथ टच होता है, और इसके साथ आगे सोसाइटी ने कुछ पार्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया, कुछ पार्ट जो है वो भी रहता है। जहाँ तक बात है यहाँ पर डेवलपमेंट का, जो जो मेन चीज़ें होती है डेवलपमेंट की, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड क्लियरेंस के बाद वहाँ पर सीवरेज की लाइन डलना, उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर डलना, और जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और सीवरेज काम होता है उसका काम होना। तो वापडा की तरफ से स्मार्ट सिटी को ऑफिशियली जितनी इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन है वो मिल चुकी है, तो यहाँ पे वापडा की तरफ से लाइन, यानी वापडा की लाइन जो स्मार्ट सिटी को प्रोवाइड की जाएगी, और स्मार्ट सिटी की तरफ से हर मेंबर को उनके घर तक प्रॉपरली अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। अभी ब्लॉक जी के मैं स्ट्रीट्स पे घूम रहा हूँ, जहाँ तक बात है ब्लॉक जी के एरिया की, तो अराउंड 30-35% एरिया ऐसा है जो अभी भी लैंड प्रोक्योर्ड आई गेस नहीं है। राइट साइड पे वो नज़र आ रहा है कि
ये एरिया अभी भी खेत है यहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ पे रिसेंटली काश्त करी हुई है, यहाँ कटाई भी हुई है, तो ये ब्लॉक जी का एरिया आएगा, अभी तक सोसाइटी की तरफ से लैंड ये प्रिक्योर नहीं हुई। जहाँ तक रिमेनिंग एरिया की बात है 65% की, तो उसकी जो डेवलपमेंट है आई वुड से कि 60-65% हो चुकी है, 30-35% डेवलपमेंट अभी रहती है। और इसकी सबसे डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट बात ये ना कि इसकी कनेक्टिविटी विद द मेन R1 रोड, वो कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हुई। अगर वो R1 रोड से कनेक्टिविटी पॉसिबल हो जाती है जो इस साइड पे है ब्लॉक डी की पहली तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा इजी कनेक्टिविटी बन जाएगी ई ब्लॉक और जी ब्लॉक के मेंबर्स के लिए कि वो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस ले सकें। राइट साइड पे यहाँ पे जो आपको नॉन डेवलप एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं और उसके साथ आगे 156 फीट का ओपन वाइड रोड है, जो सोसाइटी की तरफ से जब लैंड ये प्रोक्योर की जाएगी या जब लैंड डेवलप की जाएगी तो उसके बाद मेरा ख्याल है ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्ट होंगे। फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सोसाइटी की तरफ से इसको बैलेट में लाया जा चुका है जी ब्लॉक को 2019 से, और अभी तक जो ऑन ग्राउंड स्टेटस है ज़मीन का वो आप लोगों के सामने है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।